प्रभारी आते हैं तो ये मान के चलिए कि आगामी कार्य योजना पर अंतर्गत चर्चा होती है, बातचीत होती है। और ये इतना महत्वपूर्ण समय है कि 7 तारीख से छत्तीसगढ़ के विधानसभा की बैठक भी हो रही है और इस सरकार के 3 साल से ऊपर कार्यकाल भी पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आज यदि हमारे राष्ट्रीय संगठन सह प्रभारी श्री शिव प्रकाश जी की उपस्थिति है, माननीय छत्तीसगढ़ के प्रभारी पुरेंद्रेश्वरी जी की उपस्थिति है, तो 3 महत्वपूर्ण अलग अलग विषयों पर बातचीत होगी 3 अलग अलग सत्रों में। पहला सत्र माननीय विधायकों के साथ बातचीत और चर्चा होगी और उसके बाद दूसरे सत्र में सांसदों के साथ बातचीत होगी और फिर तीसरे सत्र में कोर ग्रुप में होगी। जिस 3 बैठकों का मूल विषय यही है कि हमारी जो रणनीति है, हमारी जो कार्य पद्धति है, हम नीचे बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की दृष्टि से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर सारे विधायक सांसद संगठन के सारे पदाधिकारी उस दिशा में काम करेंगे और बूथों में भी समय देने का काम करेंगे। 10-10 दिन का समय रहेगा उन शक्ति केंद्र में और शक्ति केंद्र को फोकस करके कार्य योजना बनाई जा रही है और उसके लिए लिस्टिंग होगी और सबका दायित्व रहेगा और उन विषयों पर चर्चा होगी जो राष्ट्रीय संदर्भ में माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्य योजना जो बनी है और माननीय मोदी जी के 7 साल की उपलब्धियों के बारे में जनता के बीच जाकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या इस देश के अंदर स्वाभिमान बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है, देश में विकास बढ़ा है और मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन कार्य योजना का डिटेल चर्चा एक पॉम्पलेट के माध्यम से भी और जवानी चर्चा के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी और वहाँ स्थानीय संपर्क के माध्यम से आम आदमी तक इन मुद्दों को ले जाने तक बूथ तक कार्य योजना। अभी तक प्रदेश में बात होती है, जिले में बात होती है, मंडल की बैठकें होती हैं, अब इसको माइक्रो लेवल की प्लानिंग शिव प्रकाश जी और माननीय पुरेंद्र जी कर रहे हैं। ये हम नीचे तक जाएंगे और इन कार्य योजना का विस्तार के साथ वर्णन और चर्चा करेंगे और ये निष्कर्ष आज दिन भर की बैठक से कार्य योजना का समय का शेड्यूल तय हो जाएगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में वो सब कार्य योजना पे चर्चा करेंगे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा करेंगे और उसका क्रियान्वयन की जवाबदारी पे होगी। ठीक है, यूपी में चुनावी शोर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।